जी वेलकम बैक टू रश आवर विद जलाल ओनली ऑन रेडियो स्टेशन संगम 94.7 एफएम कैलगरी। आप हमें सुन रहे हैं ऑन लाइक इफ यू आर इन योर कार यू आर जो है लिसनिंग टू 94.7 एफएम। और अगर आप फेसबुक में ऑफ कोर्स यू कैन आज का शो है आप जो है देख सकते हैं फेसबुक पर। सो प्लीज गो ऑन फेसबुक जो है सर्च फॉर द रेडियो सुर संगम आपको मिल जाएगा इजिली रेडियो सुर संगम। देन यू कैन वॉच अवर शो फॉर टूडे। आज के जो गेस्ट हैं अभी जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ही इज ऑल द वे फ्रॉम दरअसलम तंजानिया। इनसे मेरी जो वर्चुअली बहुत बार बात हुई लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज हियर लाइक जो है लाइव ऑन द स्टूडियो। और तो फिर हियर वी गो, तो मैं उनको स्क्रीन पर डालता हूँ। देयर वी गो ज़ाहिर भाई, याली मदर, मौलाली मदर जलाल भाई, कैसे हैं? बस ये क्या हाल है आपका? हाउ आर यू? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। चलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आपकी जो विजिट पर। दिस इज द फर्स्ट टाइम यार हम मिल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है मुझे मिलके, मुझे लाइव देख के? भाई आपसे मिलने की तो ख्वाहिश बहुत अरसे से थी। स्पेशली आपको पता है किस लिए, आपके वो मग्स के लिए। ओ मग्स वो पता नहीं कहाँ पर है अभी, विल फाइंड आउट। हाँ वो बहाना नहीं चलेगा आपका इस बार, अब मैं सामने आके बैठ गया हूँ। नो यार अपना जेल में वेलकम टू कैलगरी, वेलकम टू कनाडा। तो ये पहली बार आने का हुआ? नहीं, इससे पहले भी आया था लेकिन काफी साल पहले, 2005 में आया था आखिरी, उसके बाद अब आया हूँ। इससे पहले 2010 में आया था लेकिन सिर्फ टोरंटो। अच्छा अच्छा अच्छा, कैलगरी नहीं आया। कैलगरी 2005 हमारे जो है देखने वालों को बताया चलू कि ज़हीर भाई ही इज ग्रेट सिंगर एज वेल, बहुत अच्छा गाते हैं और आज हम उनको जो है गवाएंगे भी। डोंट वरी, हम थोड़ा मस्ती वगैरह सब होगी आज। लेकिन ये ज़हीर भाई, ये तो अपना जो है दारुसलाम, राइट? आप जो है दारुसलाम में? तंजानिया। या तो फिर यहाँ पर आपके बिलीव कि यहाँ पे आपके रिश्तेदार वगैरह सब होंगे? रिश्तेदार तो बहुत सारे हैं। तो यू नो आई एम श्योर, तो यहाँ पे आके कैसा लगता है, वेदर वाइज कैसा फील होता है? वेदर वाइज तो यार फिलहाल तो बहुत अच्छा है, बहुत गर्मी, जोरदार ठंडी पड़ती है भाई ऐसा सुना है यहाँ पे। और मैं देख भी चुका हूँ, जब पहले 2010 में टोरंटो आया था दिसंबर मंथ आई वॉज हियर। अच्छा, टोरंटो में मैं देख चुका हूँ। अच्छा अच्छा, ऑलरेडी। तो यू नो, तो यहाँ पे ऑफकोर्स यू हैव योर ओन ग्रुप अपना अफ्रीका में, पूरा ग्रुप जी जी जी, बहुत मिस कर रहा हूँ। स्पेशली सुर संगीत के मेरे मेंबर्स को, सबको मेंशन करना चाहूंगा प्लीज, सुर संगीत म्यूजिकल ग्रुप ऑल द वे फ्रॉम दारुसलाम। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ लेकिन बाकी के सभी मेंबर्स हैं, नाहिल वेल जी, जलेश्वरी चुडासामा, फतिमा मन जी, रियाज हर जी, प्रो ऑडियो फयाज खीम जी, सबको ही हम यहाँ पर। तो हनीफ मामानी कर रहे हैं, हनीफ मामानी मेरा बड़ा भाई। अच्छा, है बड़ा, so he's watching जी, right जी, now. जी, वो देख ही रहे होंगे। तो यू नो अपना अभी जैसे हम बात करते हैं, मैंने आपको फेसबुक पर बहुत देखा है कि यू ऑलवेज सिंग जो है अपना कुमार सानू के स्पेशलिस्ट सॉन्ग जो है तो अपना गाते हो, तो ये गाना कब से शुरू हुआ, कितने साल? गाना बहुत पहले से शुरू हुआ, तकरीबन मैं 13 साल का था। अच्छा, तब से शुरुआत भी कहीं कहीं से शौक जो है वो जागा मेरे बड़े भाई की वजह से। हनीफ मावानी जो बहुत फेमस सिंगर अपनी इस्माइली कम्युनिटी में, प्लेटिनम ऑर्केस्ट्रा में, पाकिस्तान में। अच्छा। हनीफ मावानी वहाँ पे गाते थे ऑर्केस्ट्रा में, उनको देख देख के जो मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ा बहुत मैं भी गा सकता हूँ, और फिर उनके साथ थोड़ा थोड़ा जो है वो सीखना शुरू किया थोड़ा बहुत उनसे, और फिर आहिस्ते आहिस्ते अपने लिए एक रास्ता बनाया। और फिर दारुसलाम 1996 में हम लोग दारुसलाम मूव हुए, वहाँ पे म्यूजिक स्टार्स करके। अच्छा, कहाँ से मूव हुए? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। अच्छा, सो यू आर इन पाकिस्तान? जी, मैं पाकिस्तान में पैदा। अच्छा, ओके 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 ओके, ओरिजिनली पाकिस्तान में, ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ। और तंजानिया 1996 में हम लोग मूव हुए, और उसके बाद वहाँ पे जो है वो ग्रुप्स में भाई, वहाँ पे ही इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, मैंने ज्वाइन किया, फिर आहिस्ते आहिस्ते अपने लिए रास्ता बनाया, और ऐसे करते करते सुर संगीत तो बहुत बाद में 2010 में मैंने शुरू किया। अच्छा। उससे पहले बहुत सारे ग्रुप्स का मैं पार्ट रहा हूँ एज अ सिंगर। तो ये गाना गाने से क्या हो, लाइक क्या मिलता है? इनर हैप्पीनेस यार, अंदर की खुशी है, बस है। एक जुनून है म्यूजिक तो, जो आदमी लोगों की रगों में खून दौड़ता है, हमारी रगों में संगीत दौड़ता है, बस समझ लें। सही बात है, बड़ा अच्छा है कि हमने इतने जो है पिछले 2 साल में काफी बार बात हुई है, वर्चुअली बात हुई, लेकिन फाइनली यू नो कि आई कैन जो है
face to the picture or to the name basically. I think this is great. So yaar ye itna saal jo hai wahan pe Dar es Salaam ka, you know, just tell us ki wahan pe rehna maine kaisa lagta hai, khane peene ka kaisa, is it same as Pakistan? Pakistan se kafi alag hai. देखो एक बात है ना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तांजानिया भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन लिविंग में, दोनों जगह की लिविंग में काफी फर्क है. आप यहां से कंपेयर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स यहां से तो बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी अच्छा है. जो लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, बहुत सारी जगहों से लोग आते हैं, कनाडा से भी हैं लोग, के वहां तंजानिया में आके लोग बिजनेसेस खोलते हैं. अपॉर्चुनिटीज हैं तंजानिया में बिजनेस करने की, और म्यूजिक चाहने वाले बहुत सारे हैं, इसीलिए ही सैफ जलाल है. नहीं नहीं सही बात है. नहीं आई थिंक जब भी हम अपना हमेशा बात करते हैं यहाँ पे जो ईस्ट अफ्रीकन जो है हमारी कम्युनिटी बहुत सारी है. जी बिल्कुल. ऑफ कोर्स दे केम फ्रॉम तंजानिया, वो मेनली तंजानिया, केनिया और युगांडा से आए हुए हैं. जी. सो दे केम इन अर्ली 50s, अर्ली 60s में आए थे. 70s आप ज्यादा बोल सकते हैं. एक टाइम में तंजानिया की जो जमात थी वो 40,000 की थी, आज 2,500 की है. तो सबके सब जो है वो ज्यादातर इधर या कनाडा में है, यूएस में भी है, लेकिन बहुत बड़ी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी जो है वो कनाडा में, स्पेशली टोरंटो, कैलगरी, वैंकूवर उस साइड में. तो यार ये जो अपना म्यूजिक होता है, गाना होता है, ऑफ कोर्स आई थिंक यू डू लॉट्स ऑफ कवर सॉन्ग्स, राइट? जी. तो अपना ये जो व्हेन यू डूइंग ए कवर सॉन्ग ऐसा कुछ करते, तो उसमें क्या दिमाग में चल रहा होता है, क्या किस तरह इसको प्रोड्यूस करना या इसको अपना पेश करना, क्या होता है? देखो जलाल भाई, सबसे पहले मेरा जो सोचना है, जिससे मैं मानता हूँ, एनी सॉन्ग इज अ म्यूजिक डायरेक्टर्स बेबी, या सिंगर का बच्चा है वो. सही बात है. आप उसको गलत तरीके से नहीं गा सकते. आप उसको कम से कम पहले उस तरह से गाओ जैसे ओरिजिनल सिंगर ने गाया है. कॉपी करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो जगहें उन्होंने ली है, उस जगहों को तो पहले आप करेक्ट लगाओ. सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स गाना गाते हैं, लेकिन वो अपना इनपुट पहले डालने की कोशिश करते हैं, उसमें गाना सही बैठता है नहीं बैठता. जो मेरा सीखने का तरीका है, जो मैंने सिखाया आज तक, कि आप ओरिजिनल गाने को बहुत, आपका सिंगर होने से पहले एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. सही. आप एक अच्छे लिसनर हो, उसके बाद एक अच्छे सिंगर हो. आप ओरिजिनल गाने को अच्छी तरह से सुनो, उसमें क्या क्या जगहें लगी हुई हैं, उन जगहों को उसी तरीके से लगाओ, और उसके बाद आपको लगता है कि उसमें अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हो खुद का, तो फिर उसमें अपना इम्प्लीमेंट करो. Right. और उस गाने को फिर आप उस तरह से बनाओ. तो यू नो यहाँ पे इतने हम देखते हैं कि स्पेशली जो लास्ट दो साल में इतने सिंगर्स आए जी, ओवर नाइट अपने जिसको पॉपुलर होना, मशहूर होना, 24 आवर्स में उनको चाहिए कि वो अपना जी. जो रॉकस्टार बन जाए, तो उनको, तो उनका फिर क्या, लाइक यू नो व्हाट यू वांट टू टेल देम, होमवर्क फर्स्ट? बिल्कुल. ये देखो, टेक अ बेबी स्टेप. हाँ बिल्कुल. आप कभी भी जंप मार के आगे नहीं बढ़ सकते. 24 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, दार ए सलाम में, और ये काम कर रहा हूँ. अगर जंप मारे होते तो गिर गए होते. सही बात है. तो स्लो स्टेप ही जाना है आपको. ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, स्पेशली सिंगिंग की फील्ड में ओवरनाइट कुछ भी नहीं है. आपको हमेशा जो है वो स्लो स्टेप लेके पहली तालीम जो है वो लेनी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी. आपको अपने आप पर मेहनत तो करनी है. मेहनत किए बगैर आप इस फील्ड में आगे नहीं आ सकते. तो यू नो हम इतने गाने देखते हैं आजकल जो है, सोशल मीडिया जो इतना बढ़ गया है जी, और इतना जो टेक्निकल, आई थिंक जो टेक्निकली स्ट्रांग बहुत हो गया है, राइट? स्पेशली स्टूडियोज. अभी नाउ असल की अभी बिकॉज लाइक अपना इतने इंस्ट्रूमेंट आ गए कि अपने देखें चेंज द म्यूजिक ऑन द गो, देखें चेंज द वॉइस ऑन द गो. सही है. तो उसमें ये क्या, अगर हम जो सुनते हैं फ्रॉम द बॉलीवुड, तो वो सारे ऐसे ही आवाज चेंज होके आते हैं कि दे डू देयर ओन ओरिजिनल वॉइस? सर जो है ना, बात यह है कि स्टूडियो में आजकल टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं स्टूडियोज. ऑटो ट्यूनर है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं. तो उसके सहारा लेके गाने को बहुत ज्यादा निखारा जा सकता है, लेकिन असली पता तभी चलता है जब वो सिंगर लाइव गाने के लिए माइक पे आता है. जो पहले ये बात होती थी कि लाइव इतनी पब्लिक के सामने गाना और ये, लेकिन वही असली इम्तिहान है. सही बात है. एक टाइम था बोलते स्टूडियो सही है सर. एक आदमी को आप स्टूडियो में ले जाते हो सिंगर को गाने में, एक चीज आप याद रखें, स्टूडियो में जब आदमी गा रहा है ना, तो वहां गलतियां इतनी बड़ी होकर नजर आएंगी.
लाइव में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो पब्लिक जोश में होती है, सुन रही होती है, बहुत सारी गलतियां आपकी हवा हो जाती हैं। वो अपने एक्साइटमेंट में होता है। हाँ, एक्साइटमेंट में वो चीजें हवा हो जाती हैं। सही बात है। लेकिन जब स्टूडियो में आप गा रहे हैं ना, तो स्टूडियो ऐसी जगह है सर कि मैं आपको एग्जाम्पल कैसे दूं इस चीज की। अगर आपने दूध में एक गिलास पानी डाल दिया, वो पानी आप बाहर नहीं निकाल पाओगे ना वापस। स्टूडियो ऐसी जगह है सर जहाँ पे दूध एक तरफ हो जाएगा, पानी एक तरफ हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सिंगर का पोटेंशियल कितना है। लेकिन आजकल स्टूडियो में इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं, अब ऑटो ट्यूनर वगैरह है, दूसरी चीजें हैं, सुर को जो है वो आप ठीक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जहां पे कोई गलतियां हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था सर। पहले आपको उसको खुद ही गा के ठीक करनी पड़ती थी। एक वन टेक रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं, या दो चार बार उसको ठीक करके आप रिकॉर्ड करते हैं, वहां आपको पता चलता पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन तुम यू डू रियाज एवरी डे, क्या करते हो? सर आजकल थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, थोड़ा कम है, लेकिन वैसे जो है वो रियाज रहता ही है। और रियाज का तरीका वही है कि आप ट्रैक लगा के उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। असली तरीका तो होता है सर कि आपके पास हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, उस पे आप कॉर्ड पकड़े और उसके साथ रियाज करें। आपकी आवाज जो है वो उस कॉर्ड के साथ मिल जाए, एक हो जानी चाहिए। और कितना लंबा आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज की, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक दिस इज जो है ग्रेट पॉइंट। ये जो चीज है इससे काफी इम्प्रूवमेंट आता है। तो एक कोई गाना हो जाए कोई भी विदाउट म्यूजिक, कुछ भी गा लो आप, बिकॉज आई नो यू लाइक जो है यू लव कुमार सानू, ऑफ कोर्स विल सो विल टॉक अबाउट। आपने कुमार सानू कहा तो वहीं से शुरू करें। हाँ, वहीं से करो, बिस्मिल्लाह करो यार। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं हो दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं हो दिल है कि मानता नहीं। क्या बात है, ये कुमार सानू ने गया तो यार। अच्छा, वो जो तुम्हारा को अपने कुमार सानू का क्या रिश्ता है? कुमार सानू और मेरा रिश्ता शानुदा का, अब ये देखो, एक टाइम होता था कि शानुदा की तस्वीर तक मेरे पॉकेट वॉलेट में होती थी। अच्छा। हमेशा मैं रखता था, क्योंकि उन्हीं के गाने सुन के आज मैं कह सकता हूँ कि किशोरदा है, रफी साहब हैं, इनके गाने मैंने बहुत बाद में सुनना शुरू किए। जब मैंने गाना शुरू किया 93-94 में, तकरीबन मैं 13-14 साल का था, उस वक्त कुमार शानू का टाइम था। अच्छा। आशिकी, दिल है के मानता नहीं, दिल का क्या कसूर, ये सारी फिल्में उस टाइम पे रिलीज हुई थी। और भाई भी कुमार सानू के बहुत बड़े फैन हैं और उनके गाने सुनते थे, तो मैंने भी उनके गाने सुन के शुरू किया था। और एक गुरुजी वाली फीलिंग जो है कुमार सानू दा के लिए हमेशा रही है, कि उन्हीं के गानों से आज से 24 साल पहले मैंने सिंगिंग शुरू की थी। उस तरह से 24-25 साल पहले, तो बस यही एक गुरुजी वाली फीलिंग है कुमार सानू दा के लिए, और अब किशोरदा और रफी साहब के लिए भी है। क्योंकि माइलस्टोन वही है, आप किशोरदा रफी साहब के गाने में हमेशा एक चीज है कि आप इन लोगों के गाने जब सुनते हैं, आप 100 बार सुनेंगे ना इनके गाने, तो 101 बार आपको कोई ऐसी चीज सुनाई देगी जो आपने 100 बार में मिस कर दी थी सुनना। ऐसे गाने रफी साहब, किशोरदा, ये लोग हमारे लिए छोड़कर गए हैं। ये अपने आप में इंस्टीट्यूट है। जलाल भाई, मैंने कभी किसी गुरुजी से कभी ट्रेनिंग नहीं ली किसी चीज की, मैं कभी ट्रेनिंग नहीं ली। मैं हमेशा गाने सुनता हूँ ओरिजिनल सिंगर की आवाज में, उनका स्टाइल लाने की कोशिश करता हूँ अपने गानों में। कोई भी सिंगर का आप गाना मुझे दोगे, आप मुझे रफी साहब का गाना दोगे, आप मुझे सोनू निगम का गाना दो, आप मुझे उदित नारायण का, मैं कोशिश करूंगा कि उसके स्टाइल की झलक आपको मेरी आवाज में मिलेगी। उनका स्टाइल, उनकी आवाज ने। वेरी वेल सर। चलो अभी जहाँ ओके जो है कमर्शियल ब्रेक, और जो है मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप सब सुन रहे हैं रश आवर विद जलाल ऑन रेडियो सुरसंगम 94.7 FM कैलगरी। तो मिलते हैं।
थैंक यू सो मच जो है अपना शेमी कायरा फॉर जो हेल्पिंग और जो है टैगिंग पीपल एवरीथिंग. थैंक यू सो मच शेमी. मनोज कुमार थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. सोनिया थैंक यू सो मच एज वेल. बॉब चाकलानी थैंक यू. एंड देयर आर सो मेनी अदर्स पीपल आर वाचिंग ऑन फेसबुक और इफ यू आर लिसनिंग ऑन 94.7 FM एंड ऑफ कोर्स जो है थैंक्स टू हमीदा एज वेल शी इज वाचिंग. तो आज का सवाल क्या है कि आज का सवाल है कि अगर आप सुन रहे रेडियो सो यू कैन टेक्स्ट योर नेम टू द टू अवर स्टूडियो. तो यहां का फोन नंबर है 4032040011 4032040011. यू कैन टेक्स योर नेम टू दिस जो है टेक्स नंबर. तो वो आपका नाम जो है ड्रॉ में जाएगा एंड देन यू कैन विन $100 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम संजय पंजाब. सो प्लीज टेक्स योर नेम टू 4032040011. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग अगेन. अगर आप यू आर लिसनिंग ऑनलाइन, अगर ऑफिस में ऑफकोर्स यू कैन लिसन ऑनलाइन एज वेल इन योर ऑफिस. तो यहाँ जो हमारी वेबसाइट है www.radiosursangam.ca एंड ऑफकोर्स यू कैन वॉच लाइव ऑन रेडियो सुरसंगम के फेसबुक पेज पर एज वेल. तो यह अपना ये जेल में आप यू नो अभी दो साल पैंडेमिक था तो अभी जो लाइव शोज बंद हो गए थे अभी नाउ एवरीथिंग स्टार्ट्स टू ओपन अगेन. तो अभी क्या लगता है कि फ्यूचर क्या होगा आर्टिस्ट का लाइव जो है लाइव शो का क्या लगता? लाइव शो का देखो जिस तरह से खुल रहा है अगर अच्छी तरह से दोबारा से सब चीजें वैसी हो गई जैसी पहले थी तो बहुत अच्छा फ्यूचर है. बस खुदा ना करे दोबारा से कुछ शुरू ना हो जो पहली वेव दूसरी वेव तीसरी वेव भरोसा नहीं है कुछ सातवीं आठवीं वेव ना आ जाए अल्लाह ना करे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो है फ्यूचर काफी जो ब्राइट नजर आ रहा है दोबारा से शोज. क्योंकि आपने देखा है जलाल भाई दो साल क्या हुआ. आई नो सबके सब आर्टिस्ट में किसी एक मुल्क का नाम नहीं ले सकता जहां सब हर जगह के आर्टिस्ट का तो समझो खत्म हो गया था सब कुछ. घर बैठ गए सबके सब. और सीधी बातें लोगों के घर चलते हैं ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है जिनके घर इसी काम पे चलते हैं. तो टांजानिया में तो देखो जैसे इंडियन आर्टिस्ट का है ना भाई वहां इंडियन आर्टिस्ट का इतना स्कोप नहीं है कि आप खाली म्यूजिक के ऊपर डिपेंड हो सके. आप दूसरा काम कर रहे हैं साथ में. लेकिन जो लोग सिर्फ म्यूजिक पे डिपेंड हो रहे थे उनकी हालत खराब हो गई थी. चलो अभी जैसे पाकिस्तान इंडिया हो तो अलग बात है. लेकिन तो वहां पे एटलीस्ट यू कैन सर्वाइव. लेकिन खाली स्पेशली नहीं हो म्यूजिक के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते अनलेस आप किस लेवल का काम कर रहे हैं या आप अगर बॉलीवुड में है तो वो तो बात अलग हो जाती है. वो बात अलग हो जाती है लेकिन उसके अलावा काफी मुश्किल होता है. तो फ्यूचर जो है वो म्यूजिक का बहुत ब्राइट है. अगर ये पेंडेमिक वगैरह खत्म हो जाता है पूरी तरह से तो फिर बहुत सारे नए ग्रुप्स को जिनको पेंडेमिक के टाइम क्योंकि पेंडेमिक से पहले तो ये मौका ही नहीं था हम लोगों के लिए. जैसे सुर संगीत है पिछले 2010 से लेके हम लोग 2018 तक टांजानिया में काम कर रहे हैं. लेकिन पेंडेमिक से ये हुआ कि आपके टच में आए हम लोग और हमने वहां पे गाने बने जो गाने यहाँ पे कनाडा में रिलीज हुए आपके थ्रू मीडिया पार्टनर आप ही थे तो उनके थ्रू सुर संगीत को लोगों ने कनाडा में अमेरिका में इंडिया में पाकिस्तान में हर जगह पहचानना शुरू किया जानना शुरू किया. अभी देखो ना जैसे मैं आया तो आप जानते हो कि जहीर जलाल नाम का कोई आर्टिस्ट है इसलिए मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपके सामने इंटरव्यू के लिए. नहीं तो पेंडेमिक नहीं था और पेंडेमिक में भी हमारे लिए मुश्किल यह था क्योंकि टांजानिया से मौके कम मिलते हैं. कनाडा अमेरिका यूके से जो ग्रुप जिस तरह का क्वालिटी काम करते हैं वैसा ही काम हमने वहां से करने की कोशिश की और इंटरनेट इतना सपोर्टिव हमारे लिए हो गया इतना अच्छा कि आपसे हम बात कर पा रहे थे इंटरव्यू कर पा रहे थे आप और हमारे गाने रिलीज हो रहे थे. तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जब ये पेंडेमिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा मेरी ये ख्वाहिश है पर्सनली कि सुर संगीत कनाडा अमेरिका में परफॉर्म करें. मैं अकेला नहीं मेरा जो ग्रुप है वो सब हम साथ में यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस हो ग्रुप की कि अफ्रीका से बाहर निकल के फिर सुर संगीत ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा. बिल्कुल बिल्कुल यार. शहजाद थोबानी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. तो उसने तुमको भी बोला हेलो बोला है. हेलो गुलशन विश्राम थैंक यू सो मच. और तुम्हारे जो मॉम डैड आर वॉचिंग डेलस में है वो अच्छा मेरी सिस्टर के पास अच्छा टेक्सास में वहां से वो देख रहे हैं. चलो दैट्स नाइस. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड जो है वॉचिंग ऑन फेसबुक एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर लिसनिंग. अगर आप लिसन कर रहे हो ऑन द रेडियो यू कैन टेक्स्ट योर नेम एट 4032040011 एंड यू कैन विन $100 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम सांजा पंजाब. और हमें ऑलरेडी कितने आ भी चुके हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग. यार जहीर भाई एक और हो जाए गाना हो जाए कोई एक और आपकी आवाज में हो जाए कुछ भी लगा दो प्ले कर दो कुछ भी.
चलिए एक आपको कुमार शानू का सुनाया हाँ, तो एक थोड़ा सा जो है वो मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर है हाँ, आज के जमाने के हाँ, थे अब इस दुनिया में नहीं रहे ओके, के ओ, मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर बहुत अफसोस होता है मरहूम के कहते हुए मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर उनका एक गाना आपके लिए थोड़ा सा प्लीज गो फॉर इट चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी वो आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं बीते लम्हे क्या बात है यार के इट वॉज वेरी शॉकिंग बहुत ज्यादा इतनी खूबसूरत आवाज इतनी मीठी आवाज इतना सुरीला गाने वाला सिंगर और अल्लाह को पता है इसे इंसान की ताकत नहीं है इससे ज्यादा सोचने की नहीं जो है हमने जो है स्पेशल शो भी किया था जी और अपने केके पे नो इट वेंट रियली वेल बहुत से लोगों ने जी आप बिलीव नहीं करोगे जलाल भाई जब केके का न्यूज मिला के सिंगर नहीं रहे पहली 5 मिनट में मैंने यही गाना उनका सुना और लिटरली माय आईज वाज वेट के क्या हो गया अचानक से इतना इतना सुरीला गाने वाला सिंगर हमने जो है अपना पिछले 2 दिन ऑफ कोर्स फ्रॉम द रश आवर सो हमने जो है ड्रॉ निकालता नेहा कक्कर जी का और वी हैड जो है बंच ऑफ विनर्स तो इंशाल्लाह आई विल बी इन टच मैंने सबका नोट किया हुआ है इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू गाइस नेक्स्ट वीक और फिर मैं आपको टाइम और जगह बता दूंगा सो यू कैन कम टू अवर स्टूडियो एंड यू कैन पिक अप योर टिकट्स ताकि आई थिंक इट विल बी और फिर वो मत बोलना कि आप जब भी तो जब शो में जाए मेक श्योर टू जो है मीट मी बिकॉज आई वांट टेक अ सेल्फी एंड आई वांट पोस्ट ऑन फेसबुक एज वेल हमारे रेडियो सुरसंग फेसबुक पेज पे तो अपने संजीव भाई थैंक यू सो मच फॉर योर सवाल फॉर योर क्वेश्चन तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आई विल बी इन टच देन जो है विल सेंड द एड्रेस टू अवर ऑल द लिसनर्स जो है अपने ऑल द विनर्स एंड सो यू कैन कम एंड पिक अप योर टिकट्स फ्रॉम अवर स्टूडियो इन द साउथ ईस्ट वी आर क्लोज टू ग्लेनमोर एंड सोनी ट्रेल हेलो रहीम बिस्लाम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अनर पुंजानी थैंक यू सो मच एंड ये शहजाद भाई थैंक यू सो मच शेमिकारा एंड सलीम अमानी एज वेल थैंक यू सो मच एवरी वन हु आर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन रेडियो सुरसंगम 94.7 FM जहीर भाई यू नो आपने कितने शोज किए होंगे मेरे साथ अपने वर्चुअली 3, 4, 5, 6 वर्चुअली तो मैंने ज्यादा शोज नहीं किए हैं ज्यादातर गाने यू केम ऑन राइट हाँ आपके साथ इंटरव्यू पे और इसके अलावा जो है जो ज्यादातर जो है वो शोज वर्चुअली शोज वगैरह ज्यादा हमने नहीं किए लेकिन गाने हमने बना के जो रिलीज किए ये वर्चुअल हमने जो है कमाल काज का किया था फिर जी 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 सो यू आर पार्ट ऑफ जी 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 और हमें जो है करीम गिलानी का भी मैसेज आया ही इज वॉचिंग एज वेल करीम गिलानी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है मेरे बहुत अच्छे दोस्त है बोलो टीचर बोलो अच्छा मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए करीम वहाँ पे टोरंटो में था सॉरी वो टांजानिया में था राइट जी वो नैरोबी आए थे लेकिन मैं उनसे पढ़ चुका हूँ जब मैं स्टैंडर्ड 8th 9th में था कराची में जी उनके भाई जो हैं वो मेरे टीचर थे रहीम सर और करीम सर के पास भी मैं 1-2 क्लासेस मैंने लिए हैं उस टाइम में वो मजरे खुदा के टाइम पे हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम पे मैंने और करीम गिलानी ने और शायद बशीर सोमानी और बहुत सारे सिंगर्स उस गाने के अंदर हम लोग साथ में थे बाद में करीम गिलानी से ज्यादा बातचीत हुई और उनके कुछ पुराने फोटोज देखे तब मुझे मैं, तो वही है। क्योंकि मैं अपने सर को ढूंढ रहा था रहीम सर को उनका सरनेम मेरे पास नहीं था मुझे शक्ल जानी पहचानी लगी तो मैंने फेसबुक पे ट्राई किया और मैंने लिखा रहीम गिलानी और आ गया फोटो बोला चलो इनके भाई है That's nice, yeah. उस तरह से मुलाकात I think you asked me about 100 times. तो this is your coffee mug. ये एक है 12 की बात. एक ही मिलेगा. एक है तो पर एक ही मिलेगा. नहीं वो एक. This is the official. There you go. चलो.
थैंक यू वेरी मच। ये पूरे सुर संगीत की तरफ से मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, स्पेशली फतिमा, क्योंकि उनका आज मैसेज आया था कि मेरा मग लेते आना। फतिमा को मत देना, डोंट इवन शेयर इट। सो नो, ऐसे फतिमा शी डजंट हेल्प अस एनीमोर, शी डजंट, या तो फतिमा को देना भी नहीं। आई एम यू नो व्हाट, आई एम श्योर शी विल वॉच। उसका मैसेज सुबह ही आ गया था कि आज जा रहे तो मेरा मग लेके आना। थैंक यू वेरी मच जलाल भाई, थैंक यू सो मच। एंड ऑफकोर्स इट इज प्रोमोटेड जो हमारे हैं, बिल्कुल रेडियो सुर संगम की तरफ से, नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स बुक एंड स्काई ब्लू होम्स। तो जैद भाई, यू नो अभी जो है माशाल्लाह आपकी आवाज इतनी प्यारी है, तो प्रोफेशनल कभी जाने का इरादा नहीं किया? यार इरादा तो बहुत बार किया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, सिचुएशंस जो है वो साथ नहीं देती, ऐसा भी होता है। टांजानिया में जिस तरह से था, वहां से निकलना, आगे बढ़ना, इंडिया पाकिस्तान में अगर रहते तो शायद वहां की इंडस्ट्री के थ्रू काफी कुछ हो सकता था। क्योंकि हनीफ भाई की एल्बम रिलीज हुई थी सरप्राइज के नाम से सोनिक इंटरप्राइज में, और अगर हम दोनों भाई वहां रहते तो शायद काफी कुछ हमारा फ्यूचर म्यूजिक की तरफ हो सकता था दोनों भाइयों का। लेकिन फिर टांजानिया आ गए, और टांजानिया से स्पेशली निकल के वापस जाना, इंडिया जाके स्ट्रगल करना, ये थोड़ी सी मुश्किल बात थी, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ उस टाइम पे किसी वजह से। लेकिन जो है वो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जितना हमारे लिए हो सका उतना हमेशा जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे से बेहतर सोचा। nice, nice, nice. जो हमको मिला। सो वी हैव समवन ऑनलाइन। हेलो हेलो, दिस इज रेडियो सुर संगम। हेलो, याली मदद। याली मदद जलाल भाई। ओके, व्हाट्स योर नेम? जलाल भाई, दिस इज आरिफ खान। आरिफ खान, ओके जी। हमको, हमने जो देखा इन भाई को बहुत दफा गाते हुए देखा हमने, बहुत हमारे, अच्छा ओके, तो बहुत खुशी हुआ ये जो जहर भाई बैठे। अच्छा जहर भाई बहुत सुर में गाते, ये बहुत सुर में गाते हैं मेरा भाई। जहर भाई पहचान आपने, कौन है ये? आरिफ खान। आरिफ खान बहुत बड़ा आपका फैन है हम तो। आरिफ भाई थैंक यू वेरी मच, जो आपको आवाज पसंद आई, और बस ऐसा ही है कि आपका तो फैन है, आपका भाई जो है अनीप भाई जी, उनका तो बहुत बड़ा फैन है। बहुत अच्छी बात है, अनीप भाई प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त और उन तक शायद ये पहुंच रहा होगा। उनको मेरा बहुत बहुत प्यार देना, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम देना। बिल्कुल, वालेकुम असलाम, मैं जरूर आपका मैसेज उन तक पहुंचाऊंगा। और आप टोरंटो का बारा ये बताओ भाई। फिलहाल तो मैं इधर ही हूँ, इरादा तो है मेरा आने का, थोड़ा एक दो जो है वो काम यहाँ खत्म करने। अगर आप इधर आओ, आपको तो हम जरूर, आप इधर आओ, आपको हम पिशावरी कढ़ाई खिलाएगा और दूध पट्टी चाय पिलाएगा। जरूर जरूर यार, ये तो सब पाकिस्तान की खास चीजें हैं जो मिस होती है, तो जरूर इंशाल्लाह आना हुआ तो आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा। इंशाल्लाह बहुत सारे गाने आपको सुनाएंगे जी। अब आप जलाल भाई से पूछो हम कौन है। वो पूछ रहे हैं कि भाई जलाल भाई से पूछो आईडिया कौन है। ये हमारे पठान भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शहजाद तुवानी। ओह हो, शहजाद यार कैसे हो भाई? बस दुआ है शहजाद। मैंने कहा इतना अच्छा सुरीला जी, एक सिंगर आया है और इतना अच्छा आर्टिस्ट आया है, थैंक यू, तो मैंने कहा उसको मैं एक फोन करके वेलकम बोल दूं। नहीं नहीं, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू शहजाद। तो थोड़ा सा प्रैंक किया आपके साथ मैंने, छोटा सा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है भाई, थैंक यू। तो बहुत बहुत प्यार आपको भाई, जिस तरह आप काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हैं, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब मैन, थैंक यू भाई, ठीक है। और हनीफ भाई को बहुत बहुत याली बोलना, बिल्कुल मौला, बहुत बहुत प्यार, बिल्कुल, और मौला आप दोनों को खुश रखे, सलामत रखे, आमीन, और इसी तरह आप काम करते रहो। थैंक यू भाई, फिर से आपने अच्छे सुरों से, थैंक यू, दिल जीतते रहो बस लोगों के, थैंक यू, कोशिश करते हैं बस थोड़ी थोड़ी बस। ओके, थैंक यू सो मच यशर भाई, थैंक यू जलाल भाई, थैंक यू सो मच। हम फिर बाद में बात करेगा तुमसे, अब हमारे से जब भी बात करो हम आपके लिए हमेशा फ्री। थैंक यू, हियर वी गो, नाउ वी हैव अनदर कॉल। हेलो, या दिस इज रेडियो सुर संगम। हाय जलाल भाई। हेलो, તમારો શો બહુ જ ફાઇન છે. ઓ થેન્ક યુ સો મચ. ઝહીર બોલે છે, ત્યાં હું એની માસી બોલું છું. ઓ ઝહીર ની માસી, ઓ થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર કોલ. યાલી મદદ. હાય મોલાલી બેટા, હાઉ આર યુ? ફાઇન ફાઇન, કેમ છો તમે? બસ જો ફાઇન છે, શુકર શુકર.
હું તો આવીને બેસી ગઈ બહારથી તારો શો જોવા વાસ્તે જઈને. યુ આર ધ બેસ્ટ બેટા. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. And Jalalbhai, thank you for entertaining everybody. Oh, we try. Thank you so much for listening. I think that has, you know, that helps a lot. Thank you so much for your phone call, too. Salim with my brother, now Zahir. Thank you so much. Perfect. Thank you so much. Thank you. Yeah, Ali Madad. Hi, bye. Ali Madad. Ali Madad. Kaun tha ye? Meri Masi. Masi? Ah, from... टोरंटो से. अच्छा. नो थैंक यू सो मच एवरीवन. और अच्छा लगता है कि जब भी हमें गेस्ट हो फिर हमारे पास जो है अपना जो फोन कॉल भी अच्छा है, दैट्स इवन बेटर. ऑफ कोर्स हनीफ मवानी सिंह, थैंक यू. शहजाद भाई ऑफ कोर्स, मिसराम, थैंक यू सो मच. शमी करा है, बोलो कि बहुत अच्छा प्रैंक है शहजाद भाई ने. शहजाद भाई तुम बहुत अच्छा करता है, तुम बहुत अच्छा करता है. So no, thank you so much everyone for listening and watching our today's show. Aaj thoda different show hai. Humne jo hai do din, of course, aap Monday ko aap sunte hain Hits of 90s on jo hai Rush Hour with Jalal at 5 PM Calgary time. Phir Tuesday we do the Jalal's Top 10. और कल हमने जो है नेहा कक्कर को भी प्रमोट किया था. तो वेनिसडे इट्स ऑलवेज कि कभी कोई गेस्ट होता है, कभी अपना हम कोई स्पेशल शो कर लेते हैं. जैसे हमने केके का आपने स्पेशल शो किया था, और लास्ट वीक हमने जो नेहा कक्कर का पूरा एक आवर दिया था. सो इट्स ऑल यू नो, कभी म्यूजिक कभी क्या वेनिसडे को होता है. तो नाउ वी जस्ट हैव अबाउट जो है 5 मिनट बाकी है. तो जहीर भाई अभी और बताओ कि और क्या फ्यूचर में क्या करने वाले हैं आप, और कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है कुछ? एक गाने पे काम कर रहा हूँ. हाँ, तांजानिया जाके फिर उस पे आगे का काम होगा. अच्छा, जो तांजानिया जाना है वापस? हाँ, फिलहाल तो जाना है वापस, और वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे करने हैं. और अगर मौका मिला कुछ देखते हैं, शायद कैलगरी में भी कुछ ना कुछ होगा इंशाल्लाह. तो यहाँ पे भी जाने वाले बहुत सारे हैं. अच्छा. दोस्त बहुत सारे हैं, बहुत सालों बाद आके मिला हूँ सबको. जी जी जी. तो देखते हैं अगर कुछ प्रोग्राम बना तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा. लेकिन एक गाने पे काम कर रहा हूँ जलाल भाई, इंशाल्लाह जल्द आपको मीडिया पार्टनर तो आप ही होंगे. और इंशाल्लाह यहीं से मैं पहले तो थैंकफुल हूँ सुर संगम रेडियो का जी, और आपका स्पेशली. और हमेशा कहता हूँ कि वर्ल्ड फेमस शो में आप हमें बुलाते नहीं, हैं हमेशा नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं. और हम लोग अपने गाने यहाँ पे प्रमोट करते हैं आपके शो पे. तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए गाने के साथ आ रहा हूँ. और शमी करण, हेलो शमी. Oh, she hung up. Oh, let me just call her back. Hopefully she can get on the phone. Hopefully, now we are calling Shami Kaur. Hopefully she can pick up the phone. Maybe no luck. No luck, yeah. Chalo, koi baat nahi. Maybe next time, inshallah. So, Zahir bhai, now aap jo hai mashallah thode din ho, inshallah we'll do apna one more show, we'll do kuch karenge. Sure. Aapka aana jaana inshallah jo hai bada. लेकिन अपना जब भी आप दरअसल में होते, जब भी आप जो है टंजन में होते, बट जब भी आप अपने यूएस कैनेडा आते हो और अपना कैनेडा के रेडियो पे आते हो, कैसा फील होता है? लाइक यू नो, आज जस्ट वांट टू नो, इसलिए हमने कभी क्या नहीं था बैक होम थे हम. तो हाँ, कैसा फील होता है? अच्छा, यू नो, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होता है. यहाँ पे क्या होता है कि जब भी एक आर्टिस्ट आता है यहाँ पे अपना गाना प्रमोट करता है, और प्रोजेक्शन मिलता है ना एक आर्टिस्ट को यहाँ पे आके, कि बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ आप कनेक्ट हो पाते हो. क्योंकि मीडिया है ना, आजकल मीडिया का जमाना है सर. पहले ये सब चीजें नहीं थी. और अब तो मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब चीजों का जमाना है. हमारे पास एक और कॉलर है, होल्ड ऑन, लेट मी सी, जस्ट मिस्ड द फोन कॉल. हेलो हेलो, या दिस इज जलाल ऑन द रेडियो सुर संगम. या या, आई जस्ट लिसनिंग टू ज़हीर. या, आई एम फ्रॉम तंजानिया एंड ही नोज मी वेरी वेल. ओके, व्हाट्स योर नेम? फुहीना. फुहीना. Yeah. Fohina, how are you? No, not Fohina. It's S for sugar. It's Fohina. S for sugar. Okay. Fohina. Fohina. Okay. Fohina. Okay. Yeah, thank you so much for your phone call. How do you know him? Oh, my God. Me and him, we are already, I always sing with him when I was in Dar. Ah, okay. So he probably knows you. Zay, do you? नहीं, ओके, ज़हीर को याद नहीं आ रहा, लेकिन ओके, कोई बात नहीं. चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर फोन कॉल, रियली अप्रिशिएट इट. ओह, शी हंग अप. देयर वी गो, नाउ वी गॉट ओनली. तो ज़हीर भाई, जाते थे क्या बोलोगे? नाम समझ में नहीं आया. या, एग्जैक्टली, फुहीना, फुहीमा. एनीवेज, तो जाते थे क्या बोलोगे? वी हैव ओनली 2 मिनट्स. जाते जाते क्या बोलेंगे जलाल भाई? कोई मैसेज दे दो या कुछ. मैसेज यही है बस, के कॉफी मग मिला इतना. थैंक यू वेरी मच, उसके लिए तो मैं, थैंक यू. खास इस मग के लिए तो टिकट कटा के मैं यहाँ तक आया हूँ यार. नताशा, थैंक यू.
यही कहना चाहूंगा कि जितने भी चाहने वाले यहाँ पे कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, और इंशाल्लाह अब आता रहूंगा, आपके सामने परफॉर्म करता रहूंगा और गाने मेरे तांजानिया से आते रहेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग अपना प्यार देते रहिए जिस तरह से दे रहे हैं, और बस ये पेंडेमिक अब तो तकरीबन एंड पे ही है ऐसा लग रहा है, इंशाल्लाह सब खत्म हो जाए और इंशाल्लाह एक अच्छी सी परफॉर्मेंस हम आपके लिए दे सके। और आप लोगों का प्यार चाहिए कि जहीर जलाल और ये सुर संगीत ग्रुप आप लोगों के लिए नए नए गाने लेकर आता रहे और आप लोगों का प्यार। अच्छा, इनका नाम था सुहीना पीरा, सुहीना पीरा यहीं पर ही है वो, शिल किल यू ना, अभी वो तुमको सूफी ना बोले, लगाओ लगाओ फोन लगाओ, मेरी शामत आ जाएगी। तो वी गॉट वन मिनट नाउ, ओके ओके, तो यू नो ऑफ कोर्स दिस इज द जो नेक्स्ट जो रश आवर विद जलाल होगा इज गोना बी ऑन मंडे 5 PM ऑफ कोर्स हमारे पास जो है हिट्स ऑफ 90s होगा, फिर सेकंड शो दैट्स गोना बी ट्यूसडे इज गोना बी जलाल टॉप 10 एंड वेडनेसडे इज गोना बी समथिंग वी विल डू समथिंग स्पेशल नेक्स्ट वेडनेसडे एज़ वेल। लेकिन यहां का कर शो लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन July 1st, टिकट्स आर अवेलेबल। आई थिंक जो मुझे किसी ने सुबह बताया कि तकरीबन 90% सोल्ड आउट है शो, अगर आपने टिकट नहीं लिए तो आप गेट ऑन विद इट राइट अवे, इट्स एट जो है जैक सिंगर कॉन्सर्ट हॉल, उनकी वेबसाइट पे जाके यू कैन बाय द टिकट्स। अदर और जो हमारे विनर्स थे, आई विल बी इन टच विद देम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एंड वी विल लेट यू नो डेट एंड टाइम एंड सो यू कैन कम एंड पिक अप योर टिकट्स। अंटिल देन बहुत बहुत शुक्रिया सबका फॉर दिस वीक फॉर जो है लिसनिंग। फिर इंशाल्लाह 8 to 9 जो है रंजीत सिद्धू और फिर बल्तेज पन्नू अपना शो लेके आएंगे और आपको पंजाब इंडिया की सारी आपको न्यूज देंगे। जाने से पहले जाहिर भाई एक और गाना हो जाए, दो लाइन कोई भी गाने की, वन मिनट किशोर कुमार का, हाँ कोई भी ठोको हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम, हो आहा जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ब्यूटिफुल यार, मजा आ गया। नताशा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ज़िनोबिया थैंक यू, एंड जालेश्वरी शी इज वॉचिंग एज वेल फ्रॉम टांजानिया, इस टाइम पे सरप्राइजिंग। या जालेश्वरी थैंक यू सो मच, एंड ऑफकोर्स अज जो है अपना अजमीना धनानी एज वेल एंड मनोज कुमार एंड शमी रहीम इस्लाम गुलशन इस्लाम शहजाद तोबानी योर ब्रदर सलीम ममानी शमिकारा लाइक आई सेड देयर बंच ऑफ अदर सोनिया एज वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हेल्पिंग अस फॉर टैगिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट मंडे फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ रश आवर विद जलाल ऑन रेडियो सुर संगम 94.7 FM एट 5 PM कैलगरी टाइम। अंटिल देन खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, आदाब एंड या अली मदद, थैंक यू।